तो ये कलर स्लाइड जो थी वो हम डिस्कस कर रहे थे। टोटल कुछ 69 स्लाइड्स हैं इसके अंदर, और अभी हम जो है वो बेसिक स्लाइड नंबर। अच्छा सर, इसमें एक चीज पूछनी है, ये फैमिलीज ऑफ रैंडम वेरिएबल ये भी आगे आना या नहीं आना? नहीं नहीं, ये नहीं आना आपका, बिल्कुल भी नहीं आना। सही, तो आ गए सब लोग? 10 लोग अभी आए हैं। नहीं सर, अभी। अच्छा, तो इसमें काफी सारी ना मॉड्यूलेशन स्कीम जो है वो इन स्लाइड्स में डिस्कस की हुई हैं। इसके आखिर में सॉल्व प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी ये दूसरा केस, अभी हम ऑन ऑफ की को देख रहे हैं, फिर उसने ये बाइनरी फेस शिफ्ट की को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर भी उसने सारी चीजें की हुई है। वैसे एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे तकरीबन सारी चीजें की हुई है, देख रहे ना। तो अब उतना टाइम तो है नहीं कि हम सारी कर सकें, लेकिन आप इसको, इसमें कुछ पोर्शन जो है ना, फिर मैं डॉक्टर अदनान को कहूंगा कि इन स्लाइड्स को सारा कवर कराए आपको ना। फिर ये देखें, ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की का बिल्कुल वैसा पैटर्न बनाया हुआ, सिग्नल्स हैं, फिर उसके बेसिस फंक्शंस हैं, फिर उसकी कॉन्स्टेलेशन डायग्राम है, फिर उसका ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉडल है यहाँ पे, ठीक है, और फिर आखिर में उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है ना वो निकाली हुई है। तो हर मॉड्यूलेशन स्कीम के साथ उसने इसी तरह किया हुआ है कि यहाँ तक ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी, ये तो ये फिर उसके बाद क्यूपीएस के आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको एक समझ आ जाती है ना तो बाकी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मेरे वो वीडियो लेक्चर्स जो है ना वो आपने सुनने हैं, ठीक है, उसके बाद आपने इनको प्रॉब्लम करना। ये देखें, फिर मिनिमम शिफ्ट की है एमएस के, एक और मॉड्यूलेशन स्कीम है, ठीक है, और ये देखें, फिर उसके बाद ये नॉन कोहेरेंट, अभी हम अब तक जो डिस्कस कर रहे थे ना वो कोहेरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम्स को कर रहे थे, ये अब नॉन कोहेरेंट भी आ जाती है। नॉन कोहेरेंट में ना वो कैरियर जो है ना गायब हो जाता है, ये देख रहे हैं इसके ट्रांसमीटर मॉडल में, वो कैरियर सिग्नल जो है ना वो इसमें मैच फिल्टर का कंसेप्ट आ जाता है। ये मैच फिल्टर के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको, फिर मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। तो वो हम जो पढ़ रहे हैं वो कोरिलेटर टाइप डी मॉड्यूलेटर या रिसीवर हम पढ़ रहे हैं। तो ये अब अगली जो है वो डीपीएस के उसने डिस्कस की हुई है, ठीक है, फिर उसने आखिर में जो है ना कंपेरिजन किया हुआ बाइनरी और क्वार्टरनरी मॉड्यूलेशन स्कीम्स। तो फिर आखिर में उसने टेबल दिया हुआ, अब टेबल में आप देखें ना जो एरर प्रोबेबिलिटीज के फार्मूले हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है, टेबल 4 जो है। तो यहाँ पे उसने इन सब के फार्मूलाज जो है ना, ये अगर एग्जाम में आएगा भी तो मैं आपको इस तरह का टेबल दे दूंगा। इसमें एक एरर फंक्शन, कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, इसको ERFC, इस तरह क्यू फंक्शन है ना, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, देखें अब एक्सपोनेंशियल उसने लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे एरर फंक्शन, ये आपने इंटरनेट से कहीं से थोड़ा सा मैथमेटिक्स की किसी बुक से ERFC जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये कम्प्लेक्स किस्म का इंटीग्रेशन होती है, ये उसका आर्गुमेंट होता है ना, इनपुट देते हैं इस फंक्शन को और वो फंक्शन कैलकुलेट करके वैल्यू दे देते हैं, टेबल्स भी अवेलेबल होते हैं। तो ये वो स्कीम्स हैं जो सारी इस पेपर इन स्लाइड्स के अंदर डिस्कस, बीपीएस के बाइनरी फेज शिफ्ट की, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की, मिनिमम शिफ्ट की, डिफरेंशियल फेज शिफ्ट की, और FSK जो है ना। आखिर में फिर इनके ये बेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ग्राफ बनाए हैं, बेट एनर्जी वर्सेस नॉइज, और दूसरी तरफ उसने ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर लिया हुआ है। तो इनमें जो जो जितना आप दूर जा रहे हैं, मतलब ये सबसे पुअर परफॉर्मेंस है इसकी ना, ये वाला जो पिंक कलर है, पिंक कलर जो है ये नॉन कोहेरेंट FSK है, ठीक है, ग्रीन कलर का जो ग्राफ है वो BPSK का है, QPSK का रेड कलर है, ब्लू कलर जो है वो BPSK का है। तो सबसे बेस्ट है इस ग्राफ में BPSK है, क्योंकि किसी भी बेट एनर्जी पर ना आप देखें ना, सपोज इस पॉइंट पे देखें तो इसकी बेट एरर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ रही है, इसकी ऊपर जा रही है, जितना आप ऊपर जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बढ़ता जा रहा है, 10^-4, 10^-5, 10^-1 जो है ना सबसे पुअर परफॉर्मेंस है ये पिंक कलर वाले की। तो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ग्राफ वर्सेस बेट एनर्जी पर नॉइज, और इसको नॉर्मली डीबीज में लिया जाता है, ठीक है। ये कंपैरिजन के बाद फिर उसने आखिर में ना ये प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है, इन प्रॉब्लम्स को भी हम करते हैं, ये काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं,
इनके आखिर में उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकाली हुई है. तो इस तक पहुंचने के लिए मैं अगेन वापस जाता हूं, आपको जो मैं करा रहा था उसको जरा हम कंप्लीट कर लें, एटलीस्ट एक मॉड्यूलेशन स्कीम का जो है ना वो हम कर लें. तो बीपीएस के से पहले जो हम जो जो मॉड्यूलेशन स्कीम डिस्कस कर रहे हैं उसका क्या नाम है, तो हम कर रहे हैं कोहेरेंट बाइनरी मॉड्यूलेशन स्कीम में एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है ना, एएसके को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको ऑन ऑफ कीइंग भी कहते हैं. ठीक है, कितने लोग आ चुके हैं, 27 लोग हो गए हैं. ठीक है, चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं. हम जहाँ पे हमने ख़त्म किया था वो पहला सेशन तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन ये दूसरा अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो बटन मैं दबाना भूल गया उसका रिकॉर्डर का. तो ये वेरियंस ऑफ एक्स वन इज वेरियंस ऑफ एस वन प्लस वेरियंस ऑफ डब्ल्यू. अब ये जीरो क्यों है, जीरो इसलिए है क्योंकि जो एस वन हम ट्रांसमिट कर रहे हैं जीरो या वन वो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, तो उसकी जो वेरियंस है वो जीरो है, जबकि नॉइज जो है वो रैंडम वेरिएबल है, तो उसकी वेरियंस आएगी डेफिनेटली. उसकी वेरियंस जो है वो एन नॉट बाई टू के बराबर हमने ले ली. ठीक है, तो वेरियंस ऑफ एक्स वन जो है वो जस्ट एन नॉट बाई टू आ जाएगी. अब कंडीशनल पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स वन गिवन दैट सिंबल एस वन सिंबल वन इज ट्रांसमिटेड सिंबल वन इज, इसको कहते हैं दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन, और उसको नॉर्मली इस शक्ल में लिखा जाता है एक्स वन व्हेन वन वाज ट्रांसमिटेड व्हेन वन वाज ट्रांस. तो वन के साथ आपको पता है कि उसकी जो मीन वैल्यू है वो ई बी के बराबर, यहाँ पे म्यू आता है ना, और उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, अब अगर ये देखें वेरियंस अगर ये होगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगी, एन नॉट बाई टू अंडर द रूट हो जाएगा, एन नॉट बाई टू अंडर द रूट जो होगी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी. तो पीछे जो फार्मूला था उसके साथ कंपेयर करें तो टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली पाई एन नॉट अंडर रूट रह जाएगा. एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स वन हमारा वो सिग्नल है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी मेन वैल्यू जो है वो ई बी अंडर द रूट के बराबर है, और ये एक्सप्रेशन एन नॉट उसी के अंदर पीछे से आ रहा है ये वाला, ये देखा यहाँ से बेसिकली हमने ये स्पेशल फॉर्म आ गए. अब ये तो जो दूसरा इसमें इसको हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं फाइंड करना, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना इसका अंडर रूट ले लेना, सिग्मा स्क्वायर का अंडर रूट ले ले तो एन नॉट बाई टू का अंडर रूट आ जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा. तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा. अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर वन क्या है ना, probability of error one का मतलब ये है कि हमने वन ट्रांसमिट किया लेकिन हमें जीरो रिसीव हो रहा है. ठीक, हमने गलत डिसीजन, हमने ट्रांसमिट वन किया था लेकिन जो रिसीवर है वहां पे जो डिटेक्टर लगा हुआ था उसने उसको जीरो कंसिडर कर लिया. तो अब हमने देखना है कि इसकी जो probability ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, when symbol one is transmitted an error will occur if x1 is less than under root eb by 2. अब ये नंबर कहाँ से आए, eb under root by 2 कहाँ से आए, हाँ जी कौन बताएगा? सर ये ऊपर जो ओपन पहले निकाला था हमने, हाँ ऊपर जो है ना ये थ्रेशोल्ड हमने सेट किया हुआ ना, ये देखें VTH थ्रेशोल्ड, उसकी वैल्यू हमने सेट की हुई थी भाई अगर आप इससे बड़े हैं ये छोटे हैं तो हम ये इस तरह देखो ना, एक्स वन अगर वी टी एच से बड़ा है, वी टी एच का मतलब है कि ए बी अंडर रूट बाई टू आ गए, तो हम उसको वन कंसिडर करेंगे. अब एरर क्या होगा कि एक्स वन इज लेस देन वी टी एच हो जाएगा, तो फिर एरर बन जाएगा, फिर वन नहीं कंसिडर होगा. तो हमने ये देखना है कि अगर तो आपका एक्स वन जो होगा, अब ये अगर एक्स वन इज ग्रेटर देन ए बी बाई टू है तो डेफिनेटली वन ट्रांसमिट हुआ था, लेकिन अगर x1 जो है वो eb by 2 अंडर रूट से नीचे है तो इसका मतलब है कि an error will occur. ठीक है, in which case, अब अगर error होगा तो in which case decision क्या होगा, decision is made in favor of symbol 0. ठीक है, इधर full stop लगा लें, यहाँ पे 0 के बाद यहाँ पे full stop लगा लें. ठीक है, अच्छा अब हमने probability of error निकालना है for 1, इसका मतलब है कि अगर हम ये प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वन इज लेस देन eb अंडर रूट बाय 2 गिवन सिंबल 1 इज ट्रांसमिटेड. ठीक है, तो ये चीज है ना, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वन इज लेस देन eb अंडर द रूट गिवन सिंबल 1 इज ट्रांसमिटेड, ये चीज अब हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट करनी. अच्छा अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ e ऑफ 1 कैन बी कंप्यूटेड बाय इंटीग्रेटिंग कंडीशनल PDF. Conditional PDF ये ऊपर वाला expression है, this is conditional PDF.
तो इसका एक्सप्रेशन ये सारा का सारा जो है ना आप इस इंटीग्रल के अंदर रखते, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कहाँ से करें, माइनस इंफिनिटी से ई बी अंडर रूट बाई टू तक, क्योंकि एरर जो है ना हम निकालना चाह रहे हैं वन का, तो हमने लेफ्ट हाफ में चले गए, हमारा ये वाला जो चीज है हम बेसिकली इस रीजन में आ गए, हालांकि हमने वन ट्रांसमिट किया था लेकिन हम एरर की वजह से इस रीजन में आ रहे हैं। तो इस रीजन में आप क्या करते हैं कि माइनस इंफिनिटी से लेगा तो इस पॉइंट तक ये ई बी अंडर रूट बाई टू, ये आपका थ्रेशोल्ड है ना वी टी एच, ये नजर आ रहे हैं ना आपको ई बी अंडर रूट बाई टू, ये आपका थ्रेशोल्ड है या बाउंड्री है जहाँ पे, तो माइनस इंफिनिटी से लेगा, यानी ये देखें ना ये आगे तक भी जा सकता है, ये जो लाइन है छोटी सी इसको टेल कहते हैं ना, तो माइनस इन्फिनिटी से ये भी पूरा तो नहीं दिखाया हुआ लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर तो यहाँ तक का मतलब है कि अंडर रूट ई बी बाई टू तक इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, वो उसके लिए फॉर्मूला ये इसने बताया है यहाँ पे, तो ये चीज आ गई माइनस इंटीग्रेशन लिमिट्स होंगी माइनस इन्फिनिटी से ई बी अंडर रूट बाई टू तक, और ये उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो ये वाला है, इस फॉर्मूले को इंटीग्रल के अंदर डाल दें यहाँ पे, ठीक हो गया, और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स वन, क्योंकि एक्स वन जो है ना वो हमारा रिसीव सिग्नल है, तो अब इस इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है ना, क्वेश्चन ये है कि एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का एक इंटीग्रेशन है जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल आ रही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं, कि हम एक नया वेरिएबल डिफाइन करते हैं u is equal to x1 minus ab under root divided by n under root, ये वाली जो चीज है ना यहाँ पे इसको हम u से रिप्लेस करते थे, सर ये सब्स्टिट्यूशन नहीं की इन्होंने, हाँ सब्स्टिट्यूशन ही की हुई है बेसिकली, ठीक है, अच्छा, और dx1 is equal to हम ले लेते हैं n under root du, तो लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी एंड हायर लिमिट इज व्हेन x1 is equal to ab by under root 2, तो ये u जो है ना इस तरह की कोई चीज बन जाएगी। अब ये थोड़ा सा ना आपको खुद मैथमेटिकली अब करना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ पे लिख नहीं सकता वरना मैं आपको बताता कि किस तरह इसने किया हुआ है। इसका आपने du इसको डिफरेंशिएट करें ना u को, तो चूंकि यहाँ पे डी एक्स वन आ रहा है तो हमने बेसिकली डी एक्स वन को रिप्लेस करना है, ये डी एक्स वन है, तो इस यू एन अंडर रूट इधर ले जाए, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा ई बी का, तो डी एक्स वन विल बी इक्वल टू एन अंडर रूट डी यू, ये चीज आ जाएगी, ठीक हो गया, तो जहाँ पे डी एक्स वन है यहाँ पे डी एक्स वन है उसकी क्या पुट कर देंगे एन अंडर रूट डी यू आ जाएगा, ठीक है, और ये जो चीज है ए बी बाई टू किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे तो देखे ना एन अंडर रूट जो था वो इस एन अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, एक एन अंडर रूट यहाँ पे है, एक इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ पाई रह जाएगा यहाँ, और माइनस इनफिनिटी से अब यहाँ तक जो चीज है ये क्या चीज थी ई बी अंडर रूट बाई टू, अब ई बी अंडर रूट बाई टू जो है ये किसके बराबर है एक्स वन के साथ, एक्स वन के बराबर, क्योंकि एक्स वन की लिमिट है ना डी एक्स वन हम ले रहे हैं, लेकिन इसने ये माइनस वन बाई टू और ये कैसे ले आए, अब ई बी जो है ना ये हम ले रहे ना। हाँ तो यहाँ से ना इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लें कि जहाँ पे अंडर रूट ई बी है ना तो उसको ये सॉरी एक्स वन जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें जहाँ से ना, तो शायद ये चीज बन जाएगी ई बी और एन नॉट और वन बाई टू आ जाएगी, ठीक, एक्स वन जो है यहाँ ई बी अंडर रूट टू आ गया, यू इसके बराबर आ गया, तो वो चीज हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है, तो एक्सपोनेंट के अंदर माइनस यू स्केयर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हमने माइनस यू लिया हुआ था इधर से, तो ये बेसिकली चूंकि स्केयर है तो ये यू स्केयर हो जाएगा, शायद ये एन नॉट भी इसके अंदर आता है मेरे ख्याल में, या इसके मिस्टेक्स की हुई हैं कुछ, तो ई रेज पावर माइनस यू स्केयर आ गया डी यू, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन अगर हम कैलकुलेट कर लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर व्हेन वन वाज ट्रांसमिटेड बट डिसीजन वाज मेड इन फेवर ऑफ जीरो, अच्छा जी, तो अब ये जो फंक्शन है हमारे पास पी इसके अगर हम उलट कर लें तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, दोनों यानी कि ना नेगेटिव थे पहले तो ये पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि इधर भी नेगेटिव आ रहा है, ये माइनस उलट कर लेंगे तो क्या चीज बन जाएगी, इस तरह की कोई चीज बन जाएगी, ये देखिए पॉजिटिव इन्फिनिटी देख ले लिए और ये वन बाई टू ई बी और एन नॉट कर दी, ठीक है,
तो ये एक्सप्रेशन इसने निकाल लिया. अब ये जो चीज है ना, एक कम्प्लीमेंट्री जो एरर फंक्शन होता है उससे मिलती जुलती चीज है. ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसको कहते हैं एरर फंक्शन. इट इज इट्स आर्गुमेंट इज यू. यू जो है ना, ये इंटीग्रेशन में यहाँ पे जो चीज होती है उसको हम यू लेते हैं. ठीक है, तो इसका एक होता है ई आर एफ फंक्शन और एक होता है ई आर एफ सी फंक्शन. और ई आर एफ सी और ई आर एफ और ये आगे क्यू फंक्शन, ये तीनों आपस में किसी तरीके से को रिलेटेड होते हैं. ये मैथमेटिक्स की बुक में देख लें या चैप्टर टू के अंदर इसको स्टडी कर लें. चैप्टर टू जो था रैंडम डिटरमिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल, तो वहां पे ये बड़ा क्लियरली इसने एक्सप्लेन की है ये चीज. तो जो कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन होता है वो क्या होता है कि वन के अंदर से ई आर एफ को सबट्रैक्ट कर लें. टाइम करते हैं क्या करते हैं हम उस टाइम करते हैं ना जब हमारे पास आंसर माइनस में आ रहा हो. वन माइनस फिर ERF. नहीं नहीं, ये जो चीज है ना ई आर एफ सी इज इक्वल टू वन माइनस ई आर एफ. देखे इसका सी नहीं लगा हुआ ना, सी फॉर कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन और ये सिंपल एरर फंक्शन. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है ना ये आप जहन में रख ले, कागज पे लिख ले, इसको आपने यूज करना. अब हमने क्या करना है कि सारे एक्सप्रेशन को, ये जो इंटीग्रेशन है, इसको इन टर्म्स ऑफ एरर फंक्शन लिखना है. तो अगर आप कंपेयर करें इसको और इसको देखें, तो ये देखें ना, यू से इंफिनिटी तक जा रहा है टू बाई अंडर रूट. तो यहाँ पे ये है ना, ये वन ओवर पाई है और ये टू ओवर पाई अंडर रूट है. तो ये इसमें अगर टू जो है ना यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा फिर, और ये सारा का सारा जो है एरर फंक्शन बन रहा है. अब एरर फंक्शन के यू क्या चीज है, दिस यू इज इक्वल टू दिस थिंग, ये एक लिमिट जो है ना, तो वो उसके आर्गुमेंट में डाल देंगे ऐसे. ठीक है कि नहीं? तो ये इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है वो इन टर्म्स ऑफ 1 बाय 2 ई आर एफ सी, यानी कि जैसे ही हमें बेट एनर्जी पता चलेगी, नाइस पता चलेगा, उनको दोनों को डिवाइड करेंगे, अंडर रूट लेंगे, यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा. इस नंबर को हमने एरर फंक्शन, जो कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन है, उसके टेबल में देखना. तो ये सारा का सारा जो है ना वैल्यू निकल आएगी और उसको 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ 1 निकल आएगी. सिमिलरली व्हेन सिंबल जीरो जो है वो अगर आपने ट्रांसमिट की है और एरर अकर हो गया, तो डिसीजन विल बी मेड इन फेवर ऑफ सिंबल वन. यहाँ पे टेन नहीं है बल्कि वन है. तो आपने जीरो भेजा है लेकिन डिसीजन आपने किया कि वन है, तो इसका मतलब है कि देर इज एन एरर. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर व्हेन सिंबल जीरो इज ट्रांसमिटेड इज पी जीरो. और इसका मतलब क्या है कि व्हेन एक्स वन इज ग्रेटर देन, पहले केस में हमने एक्स वन को लेस देन लिया था, अब हम ग्रेटर लेना है. ठीक है, तो गिवन सिंबल जीरो इज ट्रांसमिटेड, तो पी जीरो भी उसी तरीके से, ये सारा मैथमेटिक्स जिसने लगाया हुआ है तो उसने कैलकुलेट किया है और फाइनली इसका ये एक्सप्रेशन निकला. तो अगर आप देखें तो दोनों के फंक्शन जो है ना तकरीबन सेम आ गए. ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब एक और काम करते हैं कि हम कहते हैं कि सिंबल जीरो एंड वन आर इक्वी प्रोबेबल. इक्वी प्रोबेबल का मतलब है कि दे हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी. इस तरह वो नहीं होती डाइस होती है जो आप खेलते हैं, सिक्स जिसके साइड्स होती है, तो आप वो फेंकते हैं तो वन आउट ऑफ सिक्स जो है ना वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, तो उन सब की प्रोबेबिलिटी जो है ना इक्वल है. ठीक है ना, इक्वल. अब इस केस में जो सिर्फ हम जीरो और वन भेज रहे हैं, ये कॉइन होता है ना, कॉइन को आप फ्लिप करें तो हेड आएगा या टेल आएगी, तो उस हिसाब से इसी तरह का इक्वल प्रोबेबल बना के तो हम कहते हैं कि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ अकरेंस वो हाफ है, वन बाई टू. ठीक है. अच्छा, अब अगर हमने ये इक्वी प्रोबेबल कर दिया कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या होगी? तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जीरो फिर जीरो और प्रोबेबिलिटी ऑफ वन एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ वन. और चूंकि ये वन बाय टू से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को वन बाय टू अलहदा कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो इसका मतलब दिस फंक्शन प्लस दिस फंक्शन दोनों को ऐड कर दिया और तो टू आ जाएगा. ठीक है, और उसके साथ जो है ना, चूंकि ये वन बाई टू है, ये वन बाई दोनों को ऐड करेंगे तो वन बन जाएगा, तो ये ई आर एफ सी बन जाएगा और ये वन बाई टू बाहर वाले इसके साथ लगा रहे. सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन. सो इन ऑल मॉड्यूलेशन स्कीम वी हैव टू एंड अप टू दिस एक्सप्रेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर. अभी हमने एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग का एक्सप्रेशन जो है वो निकाला है. ठीक है, आगे जो है ना, अब आगे जितनी भी स्लाइड्स है ना वो सब इसी की कॉपी है, इसकी मल्टीपल कॉपी है. सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि वहां पे मॉड्यूलेशन स्कीम बदलते जा रहे हैं. इस तरह चार चार पांच पांच स्लाइड्स हैं. अब ये इसने दूसरा केस किया है बीपीएस के का, एग्जैक्टली सेम फिलोसफी इसने यूज की है. अगर आपको एक समझ आ जाती है तो यू कैन इजिली गो थ्रू होल एक्सरसाइज
you can find the probability of error of all other modulation schemes. ठीक है ना देखें इसके आखिर में सुनना ये यहाँ पे finally ये नीले रंग का जो expression है वो निकाला हुआ है. ठीक है अब इसका expression different है. ठीक है फिर उसके बाद जो है ना ये frequency shift की इंक है. तो वो जो मैंने आपको जो सिग्नलिंग वाले जो लेक्चर भेजे हैं वीडियो के वहां से आपको पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग होता क्या है. ठीक है बीपीएस के होती क्या है क्यूपीएस के होती क्या है एमटी कॉन्स्टेलेशन डायग्राम के हैं. ठीक है ना अब आपने सिलेक्शन करनी है मॉड्यूलेशन स्कीम कौन सी सिलेक्ट करनी है. ठीक है ना ये अब डिजाइनर के ऊपर होता है या जो बंदा जो है ना वो ट्रांसमीटर रिसीवर डिजाइन कर रहा है ही विल सिलेक्ट व्हिच मॉड्यूलेशन स्कीम इज बेटर. ठीक है तो हर मॉड्यूलेशन स्कीम के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. ठीक है ना तो इस तरीके से ये सारी स्लाइड जो है ना उसने बड़ी अच्छी स्लाइड बनाई हुई है कलरफुल स्लाइड है. ठीक है तो इसको जो है ना आपने करना है. ठीक है अब मैं आपको प्रॉब्लम कराता हूँ आखिर में इसके बिल्कुल आखिर में ना प्रॉब्लम के बारे में अगर हम सारे आगे चलते जाए ना ये देखें मिनिमम शिफ्ट की और स्कीम आ गई. ठीक है फिर उसके बाद ये फिर नॉन कोहेरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक शुरू हो गई. मैं डॉक्टर द्रान साहब को कहूंगा कि आपको ना इसमें से कुछ और दो दो तीन और करवा दे ना. ठीक है सर यही कह रहा था ये डिफरेंशियल हाँ जी डिफरेंशियल फेज शिफ्ट की ये तो वो समझ आई है ना. हाँ अब हम ना तो आखिर में कंपैरिजन है तो ये एरर फंक्शन भी इसने क्यों ये देखें ये स्लाइड जो है ना 55 बहुत इंपॉर्टेंट उसने बल्कि आपका काम आसान कर दिए. ये एरर फंक्शन भी दे दिए क्यू फंक्शन भी दे दिए तो क्यू फंक्शन ये होता है बेसिकली ये देख रहे हैं और क्यू फंक्शन और एरर फंक्शन के दरमियान ये रिलेशन है. ठीक है तो यू कैन यूज दिस स्लाइड मल्टीपल टाइम्स और आप अपने जो है ना जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की जो फाइनल एक्सप्रेशन है इधर यू राइट अप इन यूजिंग क्यू फंक्शन और एरर कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन. ठीक है ये उसका फिर उसने यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ ये देखें कि टेबल फोर उसने दी तो ये पांच सात मॉड्यूलेशन स्कीम्स है कुछ कोहेरेंट डिटेक्शन होती हैं कुछ में नॉन कोहेरेंट होती है. कोहेरेंट में क्या होता है कि हम जो है ना वो कैरियर फंक्शन 5-1 की तरह का यूज करते हैं यानी कि हमारे पास एक ऑसिलेटर होना चाहिए और विद कैरियर फ्रीक्वेंसी और कोसाइन 2πfc की तरह उसमें हम ये कहते हैं कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है ना एक दूसरे के फेज के बारे में उनको पता है. ये ऐसे ही है ना जैसे आपने तरबेला से वोल्टेज सिग्नल भेजा कराची पहुंचते पहुंचते उस वोल्टेज सिग्नल का फेज चेंज हो गया. ठीक है ना तो आपको कुछ मतलब करेक्टिव मेजर्स करनी पड़ेंगी क्योंकि वोल्टेज बदल चुकी होगी ना. तो ये ऐसी है कि आपने सिग्नल भेजा उसका कुछ और फेज था रिसीवर को अगर नहीं पता तो वो फिर ना ब्लाइंड होगा तो उस केस में उसको हम कहेंगे नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन. ठीक है उस केस में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स के जो फंक्शंस हैं ये जो एक्सप्रेशंस हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं. तो ये जो है ना दो तीन अगर आप खुद डिराइव कर ले मैं अदनान साहब को कहूंगा कि आपको उन्हें एक असाइनमेंट दे दे कि इसकी सिर्फ डेरिवेशन जो है ना आप करें मतलब और उसको सबमिट करें. इस तरह भी हमने बीपीएस के से पहले एएस के उसने यहाँ नहीं मेंशन किया हुआ तो इस तरह का एक्सप्रेशन उसने यहाँ पे निकाला हुआ था. तो यहाँ पे उसने एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि कौन सी स्कीम अच्छी है कौन सी बुरी है. ठीक है किस में ज्यादा पावर चाहिए किस में कम चाहिए ये फिर उसने ग्राफ दिया हुआ यहाँ पे सारों का कंपैरिजन इकट्ठा कर दिए. तो सबसे बेस्ट जो है ये नीले रंग वाला ग्राफ है क्योंकि इसकी बिट एरर प्रोबेबिलिटी जो है ना सबसे कम है. ठीक है क्योंकि अगर आप एक ईबी और एन नॉट अगर 5 dB लें यानी बिट एनर्जी ओवर नॉइज़ इसको कहते हैं सिग्नल टू नॉइज़ क्योंकि ईबी सिग्नल एनर्जी को शो कर रहा है ये नॉइज़ है. तो ये एक तरह का एसएनआर है कि अगर SNR आपकी 5 dB हो तो सबसे कम जो एरर है वो इस नीले रंग है क्योंकि इसको अगर आप इधर देखें तो इसकी वैल्यू 10⁻³ और -2 के दरमियान आ रही है. सुरख रंग ऊपर चला गया 10⁻². ग्रीन कलर उससे भी ऊपर चला गया 5 dB की लाइन को देखते थे ऐसे वर्टिकली देखते थे. तो सबसे वर्स्ट कौन सी स्कीम होगी ये पिंक कलर वाला जिसका ग्राफ तो अब ये वेरिएशन बता रहा है कि अगर आप ईबी और एनआर वेरी करते जा रहे हैं तो इसका ये वाटरफॉलिंग कर्व बनती है इसकी इस तरह की बनती है इसकी इस तरह की बनती है. ठीक है ना तो सबसे बेस्ट है वो बीपीएस की स्कीम है एफएस के और एफ एक्यू डीपीएस ये सारे ठीक नहीं है. ठीक है तो दिस इज अ परफॉर्मेंस कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम्स. अच्छा अब हम जो है ना ये बाकी चीजें अब टाइम नहीं है हमारे पास 8:40 हो गए मैं अपना प्रॉब्लम कराता हूँ. ये देखें प्रॉब्लम जिसके गिवन है यहाँ पर तो अब हम ना ये प्रॉब्लम करते हैं सिंपल प्रॉब्लम है ये देखें ना 61 से लेकर 69 तक. तो क्विज वन में ना ये प्रॉब्लम आप कर लें प्रैक्टिस के लिए और वो जो 20 प्रॉब्लम मैंने आपको होमवर्क दिए हुए हैं वो कर लें और थोड़ा बहुत थ्योरी वगैरह भी पढ़ लें. अच्छा अब देखें ये प्रॉब्लम क्या है सारी प्रॉब्लम करनी है 61 थोड़ी सी है ना ये तो बात कह रहे हैं कि अभी आपने हम देखें 15 स्लाइड्स करवाई हैं
घंटे में तो हमें थोड़ी बहुत समझ भी आई है, अभी अब बाकी खुद करें प्रॉब्लम्स भी करें। नहीं नहीं वो जो है ना, नहीं नहीं देखें मेरी बात सुने ना, आपने वो होमवर्क कर रहे हैं ना, अभी आपके पास पूरे 7 दिन है, ठीक है, मैं एक दो वीडियो और अपलोड कर दूंगा, उनको आपने सुनने हैं, ये प्रॉब्लम्स को करने हैं, तो होपफुली आप तैयार हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्विज जो है ना बहुत आसान होगा, सिंपल कंसेप्चुअल होगा, छोटा सा होगा, मसला ही कोई नहीं होगा, आधे घंटे में आप कर लेंगे, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। और सर टेक्निकली 7 दिन नहीं होते, 2 दिन होते सर, बाकी 3 सब्जेक्ट्स भी हुए सर, उनके भी असाइनमेंट्स में नहीं है, प्रोबेबिलिटी का क्विज भी है सर। भाई फिर आप एमएससी कर रहे हैं ना, आप मास्टर्स बन रहे हैं, मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब आपको कहा जाएगा तो आप मास्टर्स ऐसे तो नहीं बनेंगे ना, देख बच्चे में और मास्टर्स में फर्क होगा, ठीक है। तो यू हैव टू पुट सम एफर्ट, हार्ड वर्क के बगैर कोई चीज नहीं मिलती। यस सर। अब ये देखें जी, अब उसने ये प्रॉब्लम दी है एफएसके का, दी है एफएसके, हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप फॉर्मूला जो पीछे उसने टेबल में गिवन है, ये पिछली जो स्लाइड है वहां से आप निकाल सकते हैं। तो एफ एस के का मतलब है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग क्या होती है कि इसमें हमने एक सिग्नल के लिए एक फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, दूसरे सिग्नल के लिए दूसरी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, F1 और F2, ठीक है। एक सिग्नल तरबेला से निकाला तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपने 50 हर्ट्ज रख दी, दूसरे सिग्नल आपने मंगला से निकाला उसके आपने कहा जी 100 हर्ट्ज का सिग्नल है, इस तरह ना आप स्विचिंग कर रहे होते। तो वन के लिए आप कह रहे हैं तरबेला से सिग्नल आएगा और जीरो के लिए मंगला डैम से सिग्नल आ रहा है, different frequency. तो ये this is called frequency shift keying system. It transmits binary data. अब binary data का मतलब या zero भेजेगा या one भेजेगा. और rate क्या है कि 2 megabits per second. आपने 1 second के अंदर 2 million bits भेजनी है, ठीक है ना? अच्छा, अब जो modern जो wireless system है वो gigabits में चले गए, ठीक है, 1 gigabits per second, यानी 10^9 bits per second. ये जो आपको high speed internet मिल रहा है, इस वजह से मिल रहा है कि उसके पीछे से डेटा रेट जो है ना बहुत फास्ट आ रहा है। ट्रंप उधर अमेरिका में बोल रहा होता है और हम विद सेकंड की डिले के साथ हमें यहाँ सिग्नल मिल रहा होता है, और लाइव उधर मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है और हजारों मील दूर बैठ के भी, तो उसकी वजह यह है कि वो गीगाबिट्स पर सेकंड में चीजें हो रही है, ठीक है। तो अज्यूमिंग चैनल जो है ना, चैनल की अजम्पशन हमारी ये है कि AWGN सिंपली नॉइज ऐड करेगा, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक रैंडम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जीरो मीन होगा और उसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगी N0/2। अब उसने N0 की वैल्यू दे दी है कि 10^-20 W/Hz, यानी वो कहता है कि अगर आप 1 Hz फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो इसकी पावर में 10^-20 W चेंज आएगा। सो दिस इज इट्स स्पेक्ट्रल डेंसिटी। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल इन द एब्सेंस ऑफ नॉइज इज 1 μV। अगर हम नॉइज कंसिडर ना करें तो जो रिसीव सिग्नल होगा वो 1 μV का होगा। अब वो कहता है डिटरमिन द एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर कोहेरेंट डिटेक्शन ऑफ एफएसके, ठीक है। तो अब इसमें हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने ए निकालना है, सिग्नल्स का जो एम्पलीट्यूड है 2 EB/TB। ईबी हमें पता है कि नहीं पता, ईबी हमें पता नहीं है, क्या चीज पता है इसमें, टीबी पता है हमें, कौन सी चीज पता है, हमें इसमें ए पता है, ए कितना है जी 1 μV। रिसीव सिग्नल जो है वो 1 μV, ठीक है। 1 μV किसके बराबर होता है 10^-6 V, ये वाला नंबर आ गया। टीबी पता है, टीबी क्या होगा, टीबी जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 MB का रेसिप्रोकल क्या हाफ होगा, हाफ, और मेगा जो है ना वो मेगा है ना, तो 10^-6 बन जाएगा, तो 1/2 × 10^-6 जो होगा वो टीबी बन जाएगा, यानी 1 bit की जो टाइम लगेगा वो 1/2 μs लगेगा, ये देख 0.5 μs। एक अगर आप कह रहे हैं 2 MB/s भेज रहे हैं, 1 second तो होता है ना उसमें, 1 second के अंदर कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं, बेशुमार होते हैं, तो इसका आप टीबी इससे निकाल लें, तो ये इसको कहते हैं बिट रेट, RB से रिप्रेजेंट किया जाता है, RB, ठीक है। इस तरह से ब्रोकर लेंगे तो आपके पास टीबी आ जाएगा। अब टीबी भी आपको पता चल गया, इधर से आपको ए भी पता चल गया, तो टीबी इधर से पता चल गया, ए इधर से पता चल गया, तो आप ईबी निकाल सकते हैं, तो ईबी इसका स्क्वायर रूट खत्म करेगा। टीबी का दोबारा बताना सर, टीबी जो है ना इस तरह से ब्रोकर होगा 2 MB/s, इस तरह से ब्रोकर लेंगे ना तो 0.5 μs बन जाएगा। तो पहले आप ईबी को अलहदा कर ले, तो ईबी का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/2 a² tb, इस एक्सप्रेशन से ये चीज बन जाएगी,
और उससे हम सिग्नल एनर्जी निकालनी है. सिग्नल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 ए स्क्वायर इनटू टी बी. तो 1 बाय 2 ए स्क्वायर जो होगा ए कितना है, 1 माइक्रोवोल्ट है. तो 1 माइक्रोवोल्ट का स्क्वायर कर लिया, उसको टी बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई. एनर्जी कितनी काम आ रही है, 0.25 इंटू 10 इज पावर माइनस 18, क्योंकि 12 इधर से आ जाएगा, 6 इधर से, तो ये 18 बन जाएगा. तो ये जूल्स बन गए. yes. अब हमने ई बी निकाल लिया. अब और क्या चीज हमें चाहिए, हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर. अब एन नॉट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, एन नॉट इज 10 इज पावर माइनस 20 वाट्स पर अर्थ. एन नॉट बाई 2 है, तो इस 2 को इधर ले जाए तो ये 2 बन जाएगा, 2 टाइम्स 10 इज पावर माइनस 20 वाट्स पर हर्ट्ज. एन नॉट भी आ गया. अब ई बी ओवर 2 एन नॉट निकालना है हमने. ई बी उधर से ले लिया, 2 एन नॉट इधर से, उसका स्केयर रूट नंबर निकालना है, तो ये इसका स्केयर रूट निकालना है, जैसे ठीक है. अब उसके बाद ई आर एफ सी जो है ना, अंडर रूट के अंदर आ रहा है 6.25. ये सारा का सारा नंबर जो है वो 6.25 आ गया, और 0.25 जो है ना इधर से आ रहा है 1 बाई 2 की वजह से, तो ये नंबर आ गया. अब ये नंबर कैसे निकलेगा, इसके लिए अब हमें ना ई आर एफ सी का जो टेबल है ना, मैं कोशिश करूंगा कि इसके टेबल निकाल के आपको ई मेल कर दूँ, वरना आप इंटरनेट से खुद भी सर्च कर सकते हैं. तो अब ये ऐसे है टेबल बुक के अंदर मौजूद है, स्टोचेस्टिव वाले चैप्टर में. हाँ, यस, स्टोचेस्टिव सरफरस वाले. हाँ, तो उस आप ना ये खुर्रम शहजाद सबके साथ में शेयर कर दें, फिर है मुझे भी ईमेल कर दें, और स्टूडेंट्स को भी, बाकी जो लोग हैं क्लास में 30 स्टूडेंट हैं वगैरह सबको मेल कर दें. ठीक है, या मुझे मेल कर दें, मैं सारों को मेल कर दूंगा. ठीक है सर, मैं आपको कर दूंगा. हाँ, तो ये अंडर रूट लिया, फिर 6.25, तो जो भी नंबर आया वो टेबल से आपने निकाला, तो ये अब 2.5 बन गया अंडर रूट लेने के बाद. तो फ्रॉम एरर फंक्शन टेबल उसने बताया है कि इसकी जो वैल्यू आ रही है ई आर एफ सी 2.5 की, वो है 0.004.7407 आ गई. इस नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये इतनी आ गई. तो अब ये देखें ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितनी है. इट इज, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने परसेंट बन जाएगा, 0.02035% बन गए. यानी ये दो जीरो निकाल दें तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आ गई. ठीक है, इसको इसको ना इन टर्म्स ऑफ 10 इज पावर माइनस 6 लिखेंगे तो कैसे आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ आ गया. तो हमने उस नंबर में लिखना है 10 इज पावर माइनस 7 या माइनस 6 या माइनस जो भी नंबर इससे बन रहा है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस वे, हमने इसको जिस तरह पीछे हमने ग्राफ देखे थे ना, ये वाले देखे ना आप, इसमें सारे नंबर जो है ना, तो इसका मतलब इसकी ये 10 इज पावर माइनस 5 से भी नीचे है ना. ये माइनस 4 बड़ा नंबर होता है, ये छोटा है. तो जितना हम नीचे जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो एरर प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है. ठीक है, लेकिन इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि हमें अगर एरर प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे अगर हम आए तो हमें माइनस 5 dB यूज करना पड़ेगा. अगर हमें ये 0 dB पावर चाहिए इस जगह, अगर हम एरर प्रोबेबिलिटी नीचे की तरफ लाना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो हमें सिग्नल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, ये ई बी को बढ़ाना पड़ेगा. नॉइस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, नॉइस चूंकि रैंडम है वो. तो इसका मतलब है कि अगर हम ई बी बढ़ा दें, अब फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे ई बी और एन नॉट की जो रेशियो थी वो 10 dB है, तो इसमें आपकी जो एरर प्रोबेबिलिटी है 10⁻⁵ आ रही है. ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क है, मतलब 10 से थोड़ा सा ऊपर जाएं 11 dB है, इसको 9 dB चाहिए, इसको रेड वाले को 10 dB सिग्नल चाहिए. तो इस तरीके से हम मॉड्यूलेशन स्कीम्स के बेसिस पे कम्युनिकेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है ना वो कंपेयर करते हैं. अच्छा जी, अगला प्रॉब्लम कर लेते हैं. अगला प्रॉब्लम भी उसने मेरे ख्याल में इसी तरह का है. इसमें उसने FSK को दोबारा लिया, और ये आप खुद कर लीजिए कि मैं इसको नहीं कराता क्योंकि इसकी शक्ल वैसी की वैसी है. यहाँ पे करते हैं एक और प्रॉब्लम. ए बाइनरी डेटा आर ट्रांसमिटेड एट द रेट ऑफ 10 इज पावर 6 बिट्स, यानी 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड ओवर ए माइक्रोवेव लिंक. माइक्रोवेव लिंक होते हैं ना जो बड़े बड़े टावर्स देखे होंगे, सफेद रंग के उनके वो क्या कहते हैं एंटीनाज लगे होते हैं कपड़े वाले ना, तो नॉर्मली PTCL के जो होते हैं उसके ऊपर लगे हुए माइक्रोवेव लिंक होते हैं, लाइन ऑफ साइट होते हैं, यानी बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर लगाए जाते हैं कि बिल्कुल आमने सामने आप एक पहाड़ पर खड़े हो जाए, दूसरा एक बंदा एक और पहाड़ पर खड़ा हो जाए, और आपका कद जो है ना वो 100 फुट कर दिया जाए, और आप जो है ना बोले हेलो दूसरी तरफ से उसको भी सुनाई दे. तो ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं, दरख्त वगैरह जंगल नदी नाले वो नीचे हो गए हैं ना. तो ये माइक्रोवेव लिंक्स जो होते हैं ज्यादातर हाई टावर्स ऊपर लगाए जाते हैं.
तो अब उसमें वो कह रहा है जी कि एक जगह से आपने दूसरे का डेटा भेज रहे हैं 10^6 बिट्स पर सेकंड के हिसाब से, अज्यूमिंग चैनल जो है वो AWDN है विद जीरो मीन एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी 10^-10 वाट्स पर हर्ट्ज, डिटरमिन द एवरेज कैरियर पावर। अब अपने ट्रांसमीटर है ना, तो ट्रांसमीटर के अंदर कैरियर की पावर क्या होनी चाहिए, क्योंकि कैरियर के ऊपर आपने सिग्नल को बिठाना है, तो वो कितनी होनी चाहिए। रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है ना वो less than 10^-4। अब उसने यहाँ पे जो है ना वो दे दी है, लेकिन उसने कैरियर की पावर, कैरियर की पावर कहाँ से आएगी जी, कौन बताएगा? इसके लिए हमें क्या चीज चाहिए, अननोन क्या है यहाँ? कैरियर की पावर के लिए हमें बेसिकली वो ए चाहिए ना, ए निकालना, ए का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, इसने आखिर में इधर कहीं निकाला होगा यहाँ पे कैरियर पावर किधर ऐसे निकाली है। हाँ, कैरियर पावर की बजाय उसने वो बेट एनर्जी ले ली है, क्योंकि उस ईबी के अंदर आपको पता है कि वो ए आ जाता है ना, ईबी आपको पता है ए स्क्वायर समथिंग होता है, तो एक स्क्वायर उसने यहाँ पे ले ली है, तो बेट एनर्जी उसने ले ली है उसने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, डिटरमिन द एवरेज कैरियर पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर व्हिच इज less than 10^-4 और इक्वल टू इट फॉर कोहेरेंट बाइनरी एफएस के, डिटरमिन द मिनिमम चैनल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड। इसमें हम बैंडविड्थ भी हैं, उसमें भी इंटरेस्टेड हैं कि चैनल के अंदर क्या कैपेसिटी हो कि हमारा सिग्नल जो है वो माइक्रोवेव लिंक्स के ऊपर से इस डेटा रेट के साथ गुजर जाए, कि जितनी बिट्स हमने भेजी हैं ये ऐसी है ना जैसे 10^6 4G जो है ना वो एक पाइप के अंदर से गुजारे, तो पाइप के अंदर से नहीं गुजर सकेंगे, पाइप बड़ा करते जाए तो सारे वहां से गुजरते। बैंडविड्थ उस टाइप की भी चीज है, कैपेसिटी है ना चैनल की, जिस मीडियम से आप गुजर रहे हैं उसकी क्या कैपेसिटी है, बैंडविड्थ, चैनल बैंडविड्थ, ठीक है। अच्छा, अब हमने पहले हमें पता था कि बाइनरी एफएस क्या है, उसका फार्मूला हमने टेबल से देखा, और इसकी वैल्यू जो है 10^-4 है। एरर फंक्शन का उलट अब करेंगे, अब यहाँ पे एरर फंक्शन हमने बेसिकली ईबी को अलहदा करना है, ठीक है, तो इनवर्स यहाँ पे करना पड़ेगा एरर फंक्शन का, कम्प्लीमेंट्री लेना पड़ेगा, इनवर्स का मतलब है कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो जब ये नंबर आ गया तो इधर से हमें हमारा 0.002 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने कहाँ यूज करना है, 0.002 का मतलब होता है कि 2 × 10^-4 टोटल उसकी होगी। हाँ जी, अब बोले, आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियर। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। अच्छा सर, देखें अभी तो ये सोल्यूशन हमारे सामने है, तो उस लिहाज से हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि अच्छा उसने ए की जगह ई भी निकाल ली है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को ही अंडरस्टैंड करके ना पहुंच सकेंगे कि यार वो निकालना क्या चाह रहा है, तो ये तो अभी सोल्यूशन है ना हमारे आगे। हाँ, तो इसलिए हम इसको सोल्व करेंगे, यार इसने ई भी निकाल लिया, ये निकालना था ई भी। तो अब जब स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, तो फिर हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे सर पेपर में? या आप फिर परेशान हो रहे हैं ना, मैंने आपको देखे ना जो प्रॉब्लम दिए हैं 20 क्वेश्चन होमवर्क, वो भी बिल्कुल इसी तरह की चीजें, एग्जैक्टली नहीं तो थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन आप देखे ना मास्टर लेवल पे, अब आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा ना। अब वो आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन हमें एक वे ट्रैक मिल जाए ना कि यार इस क्वेश्चन का ये मतलब है। चले एक क्वेश्चन ही लटते हम पकड़ लेते हैं, उसको ए टू जी हम सिंप्लीफाई, एटलीस्ट एक की तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए ना, hopefully उसके accordingly वैसा जो numerical आएगा तो obviously we are of the caliber of master level, definitely we will solve it। लेकिन अगर उस statement को ही हम समझ ना पाए तो उसके accordingly solution देख के तो हम answer तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप देखें ना problem के अंदर आप कुछ चीजें clear हो रही हैं, आपको पता है bit rate है, noise spectral density है, इसके अंदर probability of error है, carrier power है, bandwidth है, इसी type की चीजें हैं ना। तो बाहर से तो मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं देनी यहाँ पे, बिल्कुल इसी तरह के प्रॉब्लम्स होंगे जो कि आपने सॉल्व करने होंगे। आप इसके पीछे देखें ना कितना सारा बैकग्राउंड नॉलेज रिक्वायर्ड है, स्पेशली ये जो एरर फंक्शन जो हमने, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का एक्सप्रेशन, इसके पीछे कितनी लंबी चौड़ी थ्योरी मौजूद है।
اب یہ لوگوں نے یہ 60s میں پچھلے سال جب جنگ دوام عظیم ہوئی تھی تو اس وقت یہ کام کر کے لوگ بیٹھے تھے, پیپر لے کے, ریسرچ پیپر لے کے, لوگوں نے کتابیں لکھی, پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہے. یعنی پچھلے 100 سال کے اندر لوگوں نے انسانوں نے بہت محنت کی ہے یعنی کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے. اب آپ کو دیکھو نا یہ بنا بنایا فنکشن مل گیا ہے, لیکن لوگوں نے اس کے پیچھے کتنی ارگریزیاں کی ہیں. ٹھیک ہے, تو دیر از نو گین ود آؤٹ پین. تو آپ دو آپ 5-10 پرابلم کریں گے خود سنسیئرلی, دیکھیں آپ نے جب جس وقت آپ سنسیئرلی کام کریں گے نا, پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا, آپ کے اوپر آپ کی سمجھ بھی بڑھ جائے گا. آپ رب زدنی علما پڑھ کے بیٹھے 100 دفعہ کی تسبیح لگائیں پہلے, رب زدنی علما, اللہ میں اتنی سالوں کا علم نافع, اللہ مجھے ایسا علم دے جس میں نفع ہو. ٹھیک ہے, نفع کا مطلب ہے کہ اس سے آپ فائدہ اٹھائیں, آپ کا گریڈ اچھا ہو. ٹھیک ہے نا, اور 2 نفل نماز پڑھ لیں, میں تو آپ کو بلکہ یہ کہوں گا وضو کی حالت میں آپ جو ہے نا پرابلم سالو کریں. ٹھیک ہے, آتف صاحب سے نا مشورہ کر لیں. ٹھیک ہے نا, انہیں ایک آدمی ہے, ان سے آپ مشورہ کر لیں, کوئی ذکر وغیرہ, تو آپ کے نا سینہ کھل جائے گا. لاسٹ کوئز میں وضو کر کے شروع کیا تھا, ہوا ہی وضو نہیں کیا تھا نا آپ نے, مجھے لگ ہی رہا ہے. آپ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, قرآن کی نا سورہ مریم کے اندر ہے خیر. تو آپ اس کو پڑھیں, مطلب کیا اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دے, آپ کا دماغ کھل جائے. یہ دیکھیں نا, یہ تو کوئی نالج ہی نہیں ہے نا, لوگوں نے پتہ نہیں کتنے کتنے مشکل کام کیے ہیں. تو جب آپ کی طلب سچی ہوگی اور آپ سنسیئرلی اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو کنوینس کریں کہ آئی ایم آئی سیریس, آئی ایم آئی سنسیئر, آئی وانٹ ٹو لرن دس تھنگ, آئی وانٹ ٹو لرن, میں غلطی کروں گا پھر میں سولوشن دیکھوں گا, پھر میں دوبارہ ٹرائی کروں گا. اس طریقے سے 2-4 دفعہ ایٹن ٹرائل کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا دماغ کھل جائے گا, آپ کا سینہ کھل جائے گا, آپ کو چیز سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, اچھا اب ہمارے پاس یہ جولس میں آ گیا. اب اس کو ہم نے ٹی بی سے ڈیوائڈ کر دیا تو یہ ہمارے پاس پاور آ جائے گی. انرجی کو ٹی بی سے ڈیوائڈ کر دیا, اب اس نے اے نہیں نکالا بلکہ اس نے دوسرے طریقے سے نا انرجی کو ٹائم سے ڈیوائڈ کیا تو پاور آ گئی. تو یہ پاور دیکھیں کتنی کم ہے, 27, یہ تقریباً اس کے اگر 0.27 کر لیں تو 0.27 مائکرو واٹ ہو گئے. تو جو کمیونیکیشن سسٹم ہوتے ہیں اس میں مائکرو واٹ یا ملی واٹس میں پاور ہوتی ہے. آپ کے جو ٹرانسمیٹر پاور ہوتے ہیں یا آپ کے جو ٹاور سگنل بھیج رہے تھے یا ایون جو آپ موبائل فون کے اوپر سگنل ریسیو کر رہے تھے وہ بھی مائکرو واٹس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کے آگے پھر جو ہے وہ لو نوائز ایمپلیفائر لگا جاتے ہیں, LNB وغیرہ تو موبائل فون کے اندر. اچھا اب منیمم چینل بینڈ وڈتھ کیسے نکالیں گے, تو 1/TB کو الٹ کر لیں آپ, تو یہ آپ کی 10^-6 اور 1 MHz آتے ہیں. تو دس از دا یعنی کہ یو نیڈ اے چینل آف 1 MHz, یعنی کہ ایک ایسا میڈیم یوز کریں جو 1 MHz فریکوینسی کو سپورٹ کر سکے. جس طرح فائبر آپٹکس ہوتی ہے نا, اس کی بینڈ وڈتھ زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر کیپیسٹی ہے. ہمارے نبی جو تھے وہ معراج پر گئے تھے, ہم میں جاتا تو ادھر وہاں پہ جل بن جاتا, میرے اندر وہ کیپیسٹی نہیں تھی. ہمارے نبی کو وہ بینڈ وڈتھ دی گئی, ہمیں ان کے اندر وہ کیپیسٹی پیدا کی گئی کہ وہ جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اسے آگے نہیں جا سکتا, سدرۃ المنتہا پہ جا کے وہ بس ہو گئی. وہ کہتا ہے میں ادھر سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. تو وہ بینڈ وڈتھ تھی ان کی, اللہ کے نبی کو, اللہ نے اپنے نبی کو وہ بینڈ وڈتھ دی, وہ کیپیسٹی دی کہ وہ نہیں جلے وہاں اللہ کے ساتھ باتیں کی. تو بینڈ وڈتھ کا مطلب کیا ہے کہ کیپیسٹی کتنی. چینل جو ہے نا آپ فزیکل میڈیم ایسا یوز کریں کہ جو 1 MHz فریکوینسی کو سپورٹ کر سکے. سمجھ آ گئی میری بات؟ اچھا جی, آگے چلتے ہیں. اب یہ اور پرابلم کرنے ہیں یا بس کر دیے جی؟ سر ایک دن آپ کے ساتھ جو ہے نا اسلامک سیشن ہونا چاہیے سر, آپ اچھی اچھی باتیں بتایا باتیں ہاں بالکل کی جا سکتے. میں اصل میں قرآن وغیرہ پڑھتا رہتا ہوں, تھوڑا بہت اس کو غور و فکر بھی کرتا رہتا ہوں, پھر میں روحانیت کا ہمیں بھی آپ جو ہے وہ بتایا کریں. یہ ساری چیزیں نا دیکھیں, آپ کی طلب سچی ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دے گا, ہدایت کے راستے. ٹھیک ہے نا, تو ہدایت جو ہے نا خدا کی طرف سے آتی ہے. جس طرح کا آج کل کا زمانہ چل رہا ہے نا, تو اس میں ہم بہت سارے لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, انٹرنیٹ آ گیا, ویڈیو, موبائل فون, گیجٹس, یہ ساری چیزیں آ گئی, ان کو ہم نے بس ضرورت کے طور پہ استعمال کرنا ہے اور پھر ایک سائڈ پہ رکھ دینا. لیکن اس سے میرے دل کا سکون نہیں ملنا, میرے کو بیٹ انرجی نکال گئی یا بینڈ وڈتھ نکال گئی, یا میرے گھر کو روحانی خوشی نہیں ملے گی. لیکن میں اللہ کا ذکر کروں گا تو میرے کو روحانی خوشی ملے گی. اوپر میں پرندوں کو دیکھتا ہوں, کب اڑ رہے ہوتے ہیں. میں قرآن میں آتے ہیں نا, اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ما یقبض ما یمسکون الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر, سورہ ملک کے اندر ہے نا. تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو پرندے اوپر اڑ رہے ہیں ان کو کس نے ہوا میں قابو کیا؟ میں میرے گھر کے اوپر نا بڑے کوے اڑتے رہتے ہیں, اور بہت اوپر کافی سارے, ہزاروں کے حساب سے تو نہیں لیکن سینکڑوں کے حساب سے نا وہ
सुबह से लेके शाम तक पता नहीं मैं सोचता रहता हूँ ये क्या कर रहे हैं इधर, इनका कोई और काम आपके घर मेहमान ज्यादा हो। तो इंसान है ना, इंसान अशरफ और मखलूकात है, तो उसकी जिंदगी का पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना, कि जिंदगी का मकसद हो कि वो दुनिया में क्यों आए, क्या करने हैं, खाली बस ये जॉब करने हैं और पैसे कमा के दो वक्त की रोटी खा के तो बस चले जाने, बच्चे पैदा कर ली, शादी कर ली, दैट्स दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। कुछ बड़ा ऑब्जेक्टिव है यानी ना हमारी जिंदगी का कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव है, कोई इंसानियत किस तरफ जा रही है, कभी हमने उसके बारे में सोचा, चीन के अंदर क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, कभी मतलब इस तरह की चीजें जो है ना बड़ी जरूरी है। कल अल्लाह हमसे पूछेगा भाई मैंने आपको अकल दी, आपको ज्ञान दी, आपको इतनी फहम दी, आपने क्या किया दुनिया में जाके, सिर्फ अपने पेट पूजा के लिए आप गए, मतलब डिग्री कर ली, मैंने पीएचडी कर ली, आप मास्टर्स कर रहे हैं, कल आप में से हो सकता है पीएचडी कर ली, देन सो व्हाट, इससे आगे क्या है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, ठीक है। तो बहरहाल अब ये डिस्कशन जब भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, फोन पे कर लें जब आपको दिल जाए, कोई मसला नहीं है, मैं अवेलेबल हूँ। अब ये प्रॉब्लम जो है ना आपको मैंने कुछ जो है ना ये प्रॉब्लम जो है कुछ आपने ना अब आपको आइडिया हो गया है, मैंने आपको एक मॉड्यूलेशन स्कीम सिखाई है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालना, इस तरह आप और जो है ना वो खुद बैठ के करें, डिस्कशन करें, आप अपना जूम सेशन बना लें, चार पांच जिनके साथ आपकी गपशप है उनको कहें यार इस टाइम पे ना लेट अस डिस्कस दिस थिंग, तो आप अपना इन्विटेशन दें लोगों को जूम करें और बैठ के तो डिस्कशन करें, प्रॉब्लम को डिस्कस करें, सारे स्लाइड्स खोल लें, ठीक है मेरे लेक्चर्स उधर हैं पहले वो सुन लें अच्छी तरह, कुछ प्रॉब्लम पहले खुद कर लें, इस तरीके से जब आप दूसरों को समझाएंगे ना तो असल में नॉलेज है ना उस वक्त बढ़ता है जब आप दूसरों को समझाते हैं, ठीक है ना, तो जब आप दूसरों को समझाने वाले मोड में आ जाएंगे तो आपको जो है ना वो चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, फिर आप क्वेश्चन करेंगे, दूसरा आपके पीयर जो है ना वो कहेगा ये कैसे है, वो कैसे है, ये कैसे है, तो करते करते जो है ना वो सारी चीजें आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो अब ये 8-10 प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप कर लें, मतलब है इसी तरह की क्विज भी इसी तरह का होगा, ये आखिर में बल्कि इसने एरर फंक्शन का टेबल भी गिवन है ये लास्ट स्लाइड में 68 नंबर पे, ये देखें अगर एक्स की वैल्यू 0.01 होगी तो एरर ईआरएफसी की वैल्यू ये होगी, अगर एक्स की वैल्यू 0.52 होगी तो ये अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो बेसिकली आपने एक्स कैलकुलेट करना है, एक्स जो है वो ब्रैकेट के अंदर जो चीज है इसको हम कहते हैं आर्गूमेंट फॉर दिस फंक्शन, ये टेबल आपको गिवन है, शायद यही टेबल मैं आपको दे दूंगा क्विज में भी, ठीक है, नहीं तो अगर ये नहीं है तो आप इसका ना क्विज से पहले प्रिंट करके जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अब एक दो और वीडियोज है ना रिसीवर की जो स्ट्रक्चर होती है ना वो हमने डिस्कस नहीं की यहाँ पे, तो मैं वो एक वीडियो तो मैं अभी आपको भेज चुका हूँ, बल्कि इसके अंदर ना उसने इनडायरेक्टली जो है रिसीवर की स्ट्रक्चर जो है ना एक को हम कहते हैं मैच फिल्टर और दूसरे को कहते हैं कोरिलेटर टाइप डिटेक्शन, तो और भी बेशुमार चीजें हैं लेकिन अब टाइम ना होने की वजह से हम ये सारा कवर नहीं कर सकते, तो आपको ना बेसिकली डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ाने का मकसद ये है कि कुछ ओवरव्यू हो जाए, आप साइंसदान नहीं बनेंगे, आप पीएचडी करना चाहें तो बाद की बात है, लेकिन ये बहुत ना टफ फील्ड है वायरलेस कम्युनिकेशन या डिजिटल कम्युनिकेशन जो है ना लोग इससे भागते हैं, इसकी बैक एंड पे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो फरज साहब को कह के डीएसपी का कोर्स भी ऑफर करवा लें, क्योंकि जितनी भी अब डीएसपी है ना हर जगह आ गई है, इवन पावर सिस्टम के अंदर भी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग हो रही है, माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए हैं, फीड प्रोग्रामेबल गेट एरेज आ गए हैं और बहुत ना हाई फाई चीजें आ गई हैं, तो कन्वेंशनल जो है ना फिर ऊपर से स्मार्ट ग्रिड आ रही है, स्मार्ट ग्रिड की जो 50% काम है वो सिग्नल प्रोसेसिंग का काम है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, तो डिजिटल अब जो है ना वो कहते हैं जी हर चीज आपके घर में डिजिटल एनर्जी मीटर लगा हो और वो सारे जो है ना वायरलेसली डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं और उसके सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम हो और वहां पे वो डेटा रिसीव हो रहा हो और लोग उसको एनटीडीसी वाले एनालाइज कर रहे हैं, अच्छा जी वहां से इतनी पावर जा रही है, उधर इतनी है, जोर टाउन का जो पावर फैक्टर है वो इतना है जी, वहां भी इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ये सारी चीजें आप खुद सोचे ना मीटर रीडर का काम तो नहीं है ये, तो अगर वायरलेसली आ रही हो और मल्टीपल जगहों से डेटा ट्रांसमिट हो रहा हो, रिसीव हो रहा हो, सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम में आप बैठे हो और वहां पे ये सारी चीजें मॉनिटर कर रहे हो, तो फिर आप डिसीजन भी ले सकते हैं, फिर लोड शेडिंग को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और किसी को पावर देनी है किसी को नहीं देनी है, जो चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं आप ना, तो ये डिजिटल कम्युनिकेशन या इसकी अगला जो बड़ी बहन है वो वायरलेस कम्युनिकेशन है, तो ये चैंपियन लोग हैं, साइमन हाइकन की किताब पढ़े, बर्नार्ड सिक्लार की किताब है, जॉन जी प्रोकस की हम पढ़ रहे हैं, अब ये देखें ना फिफ्थ एडिशन हमने ये 2001 में इसकी लिखी, फिर अब ये इसका देखो ना कितना इंसानियत पर एहसान है ना, कि बेशक ये काफिर है ये जो भी जिस मजहब से है लेकिन इसने इंसानियत के लिए कुछ दे के जा रहे हैं,
मैंने आपको जो स्लाइड दी थी वो इस बुक से दी थी, कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग सेकंड एडिशन, जो प्रिंटिस साल ने 2002 में पब्लिश की है। इस तरह अभी एन डी भाटी इंडियन लोग भी आ गए, देखें कि 2005 सर आपने कोई बुक नहीं लिखी इस पे। मेरा भी इलम जो है ना बिल्कुल बच्चे वाला इलम है ना, मैं सही बताऊ ना कि सर हमारा तो फिर अभी पैदा ही नहीं हुआ क्योंकि मेरा इलम जो है ना बिल्कुल जो तफले मकतब होता है ना, वो भी शायद मैं गलत कह रहा हूँ, मेरा इलम उससे भी निचले लेवल पे है। ठीक है, मैंने क्वालकॉम एक कंपनी है जो मतलब अमेरिका में है, बड़ी टॉप क्लास कंपनी है, फॉर्च्यून 500 में आती है, उसमें कुछ दो तीन साल मैंने वहां पे ना जॉब की हुई है। तो उससे पहले मुझे भी एलएफए का नहीं पता था, लेकिन वहां पे जब मैंने उनका सिस्टम देखा, उनके लैब देखे, वहां पे दुनिया भर से इंजीनियर्स काम कर रहे थे, 8-10 हज़ार डॉलर लेकर जॉब कर रहे थे, तो हमें भी थोड़ा बहुत ना देखने को मिला कि देखो ये वैसी मिसाल है ना जिस तरह एक होता है ना मेंढक होता है, उसको आप कुएं में डाल दें तो वो देखेगा तो कहेगा इस तरह यही पानी है, फिर नदी में डाल दें तो पानी ज्यादा हो जाएगा, फिर दरिया में डाल दें पानी ज्यादा हो जाएगा, समुंदर बहरुल काहल में उस मेंढक को डाल दें तो वो उसका देखेगा हर तरफ पानी पानी है, फिर उसको मेंढक वाले कुएं वाले मेंढक को फिर वापस कुएं में डाल दें, वहां भी जब दूसरों से मिलेगा मेंढक ज्यादा पानी में मर भी सकते, मर भी सकते। हाँ, तो जब अगर उसको समुंदर की सैर कराने के बाद वापस कुएं में डाल दें तो उसकी क्या हालत होगी आप खुद सोचिए। तो ये दुनिया भी ना एक कुएं की तरह है, ठीक है ना, ये दुनिया के पेट में हम इस वक्त हैं तो ये घुटन है यहाँ पे, जबकि आखिर जो जन्नत है अल्लाह देखो ना कहते हैं सारी मगफिरत है मेरे रब्बे को जन्नत है नर्ज समावात वाला, उस रब की जन्नत की तरफ भागो भाई और उसकी मगफिरत तलब, जन्नत यानी कि ना वो हम दुनिया के पेट में है तो घुटन है यहाँ पे तंग जगह पे, मसाइल ही मसाइल, कोरोना वायरस हर तरफ से इस वक्त पूरी दुनिया ना खौफ ज्यादा होगी, घरों में बंद होगी, लॉकडाउन होगी, कब तक लोग रहेंगे, ठीक है ना, परेशानियाँ, फिर टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, ब्लड प्रेशर आई है, शुगर का लेवल बढ़ रहा है, तो मतलब यानी दुनिया भी ऐसी है जिंदगी ना, तो ऐसे काम करें कि जिससे ना आप आखिरत में आपको बड़ा सारा घर मिल जाए, जन्नत माल मिल जाएंगे, तो आपने रिजक को हलाल करें, आप अगर किसी पोजीशन पे हैं लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, एक्सीएन है या वापडा के अंदर काम कर रहे हैं या एनटीडीसी में या जहाँ कहीं भी है, तो अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं, हलाल कमाएं, लाल खिलाएं लोगों को, बच्चों को, और उस जन्नत जो आखिरी जन्नत है ना जहाँ पे आपका ठिकाना है, ठीक है ना, उसके लिए आप कोशिश करें, मेरा तो यही मशवरा है। मैंने अब मेरी उम्र 50 साल होने वाली है तो मेरी जिंदगी में अब एनालाइज करता रहता हूँ कि भाई हम क्या करने आए हैं, बाकी मान तो जितनी भी जिंदगी एक दिन चले जाएंगे, तो ये सब चीजें आप देखें ना लोगों को गड़े में फेंक रहे हैं, मरने के बाद ना उसको हाथ भी नहीं लगा रहे, वो कोरोना वायरस के बाद ना वो प्लास्टिक में रैप करके तो बेचारे को ना डंडे से वो गड़े के अंदर फेंक रहे हैं, आपने वीडियोस देखी होंगी, तो ये इंसान की ना वो फाइनल स्टेट है जिसमें उसने जाना है। बस सर अल्लाह ताला सबको बचाए सर इस बीमारी से। हाँ, तो कितने लोग मौजूद थे जी आज? 27 स्टूडेंट थे, कुछ लोग बिल्कुल साइलेंट होके बैठे रहे हैं, बात करना चाहे तो नाउ इज द राइट टाइम, कोई किसी किस्म का, ये खवातीन भी मौजूद है, बस परेशान हो गए हैं बहुत ज्यादा, किस वजह से? मुश्किल कोई नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना, जब आप पीछे पढ़ जाएंगे ना इसके तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा, अब अगली क्लास में क्विज नहीं होगा लेकिन आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, यू कैन सॉल्व दोस प्रॉब्लम, ठीक है ना? यस सर, लेकिन सर इस तरह सर अगर थोड़ा सा यानी कि एक तो सर एक बात तो ये कि पहले जो एक डेढ़ वीक है ना हमें यानी कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से कुछ समझ भी नहीं आया, यानी कि वैसी अजीब सी एक सिचुएशन भी सर वैसी माहौल में अजीब सा हुआ, हर जगह जहाँ जाओ मस्जिद में भी ऐसे सारे देख रहे होते हैं, ऐसे पता नहीं किसी को छींक आ जाए तो बस फिर बोले ही हाफिज हो जाता है, बड़े अजीब हुई हुई है। हाँ बिल्कुल, वाकई ना मतलब वो असल में ना मीडिया से जितना आप दूर रहेंगे ना तो आप पुरसकून रहेंगे, अब ये इन्होंने वेबसाइटें बना दी हैं जी, नंबर 8 लाख पहुंच गया है, 50,000 बंदे मर गए हैं, ये हो गया, ये जितना मीडिया देखते रहेंगे ना मुझे तो लगता है ये सारे फेक नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। मौत जो है वो बिज़ने खुदा होती है, बीमारी की वजह से मौत नहीं होती है। हाँ, तो ये नंबर जो है ना ये दुनिया को ना एक नए धंधे में डालना चाह रहे हैं, और पता नहीं क्योस क्रिएट करके है, जितने नंबर ज्यादा होंगे सर फंड्स के ज्यादा चांस है इनको मिलने तो ये देखें ना कि यानी लोगों को खौफ ज्यादा करने के लिए पूरा प्रोग्राम बनाया, दज्जाल भी आने वाला है कुछ अरसे में, और वो सारी चीजें आपको पता ही है कि उसका चीज पास कंट्रोल होगा तो दुनिया पे हुकूमत करेगा ना,
तो सर ये मुझे लगता है का ड्रॉबैक है सर है क्या चीज सर ये कम्युनिकेशन का ड्रॉबैक है हाँ ये तो है ही है बिल्कुल जितनी कम्युनिकेशन हुई है ना तेज हुई है मेगाबिट से हम गीगाबिट पे जा रहे हैं उतनी प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं पहले जमाने में खत के जरिए कम्युनिकेशन होती थी ये तार आ जाती थी महीनों के बाद तो बंदे कबूतर भी कबूतर हाँ उससे पहले कबूतरों के जरिए करते थे तो अब जब से ये वायरलेस सिस्टम आ गए हैं डिजिटल कम्युनिकेशन और ये सारी चीजें तो इन्होंने इंसानियत को सिमुलेट कर रहे हैं फास्ट कर रहे हैं उतना ही डिजीजेस वायरसेस बैक्टीरियाज उतने ही एक्टिव हो रहे हैं अब तो लोग कहने शुरू हो गए हैं कि ये लोगों ने खुद ही बनाया वायरस लेबोरेटरी के अंदर उसको फैला दिया अब देखें ना पूरी दुनिया में पहले तो कभी ऐसी बीमारियां नहीं देखी हमने ताउन अगर आता भी था तो एक सर्टेन लोकेलिटी में होता था ना अब ये पूरे 190 ममालिक में जो है ना विद इन फ्यू मंथ्स जो है ना ये फैल गया तो ये सारा जो है ना फसाद है फसाद की कोई एक शक्ल है और फितने की कोई शक्ल है मतलब कुरान में आता है ना जहर زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدین ناس قرآن سورہ روم کے اندر آتا ہے تو فساد کی شکلیں ہیں بیسیکلی ہاں جی بولیں سر وہ تو کوئی آپ کی آپ لوگوں کی میٹنگ شیٹنگ ہوئی ہے اس حوالے سے کہ سر آگے یا نہیں ایچ ای سی نے کیا کہا کہ فلانا کا سر جیسے نظر بھی آیا کہ ایٹ لیسٹ فار گڈ ون منتھ تو پرولونگ کر رہی سچویشن تو ہمارے آگے اسسمنٹ کا کیا کرائٹیریا ہوگا کیونکہ سر جس طرح مرضی اتنا مرضی آپ کر لیں یہ آن لائن جو ہے ہمارا یعنی کہ فیئر تو نہیں ہو سکتا نا بہرحال اسسمنٹ کوئز ہو چاہے اسائنمنٹ ہو سر اس حوالے سے کچھ یعنی کہ کچھ وہ اصل میں فرض صاحب نے آج میل کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی میٹنگ جو ہے نا اسی طرح کی زوم کے اوپر ڈین کے ساتھ ہوئی تھی ڈین ڈاکٹر اعجاز چودھری ہے نا تو ادھر اب پتہ نہیں اس میٹنگ کی آؤٹ کم کیا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی میل آ جائے کل تک بتا دیں کیونکہ مڈ ٹرم اور فائنل ای کے بارے میں باتیں کرنی تھی انہوں نے نا تو یہ لوگ اصل میں ویٹ کر رہے ہیں کہ ایچ ای سی کی طرف سے کوئی ڈائریکٹیوز آئیں یا پی سی کی طرف سے یا جو بھی ہے مطلب تاکہ کوئی گائڈ لائن مل جائے کیونکہ کافی ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اور میرے خیال میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں بھی شاید آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے یو ای ٹی لاہور وغیرہ ہوگی یا اس طرح کی سر بند ہو گئی وہاں تو کلاسز ساری کلاسز بند ہو گئی ہیں آن لائن اب اصل میں مسئلہ وہاں پہ ٹیچرز کو پرابلم نہیں ہے نا وہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ آپ کو پتا ہے گورنمنٹ سیکٹر کی ہیں یہاں پرائیویٹ میں تو آپ کو پتا ہے کہ ساروں کا روٹی رزق لگا ہوا ہے تو یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں چلتی رہیں نا سر وہاں پہ جو ایشو ہوا ہے وہ اسٹوڈینٹس نے یہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ فیس تو پوری سیمسٹر کی دے رہے ہیں تو آن لائن کلاسز کی فیس تو نہیں دے رہے تو اس وجہ سے اس ایشو کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا آن لائن کلاسز ختم کی چلیں مطلب آج دیکھیں نا ہمارا زوم چل رہا ہے نا بریک نہیں ہوا مطلب 9:45 تک میں نے اس کو آج رکھا ہوا ہے تو جتنا دل چاہے آپ باتیں کر سکتے ہیں مطلب ویڈیو بھی بن رہا ہے آپ کا تو میرے خیال میں ہاں جی سر بس وہ یہی تھوڑا سا مطلب ہوا ہوا تھا کیونکہ کچھ لوگ جو ہے رومرز بھی آ رہے تھے اللہ جانے کتنی اس میں صداقت ہے کہ یہ نہیں کہ یہ اس طریقے سے جو ہے جس طرح ورچوئل یونیورسٹی کے جس طرح یہ اسسمنٹس ہوتی ہیں لیکن ورچوئل یونیورسٹی میں بھی جو ہوتے تھے وہ بھی پیپر دینے کے لیے انہوں نے سینٹرز ہی بنائے ہوتے تھے اس طرح تو نہیں ہوتا تھا کہ یعنی گھر بیٹھ کے ایگزام دے سر یہ فیئر ہو نہیں سکتا جتنا مرضی آپ کر لیں کہ کیمراز آن کر لو یہ کر لو وہ کر لو نہیں میں نے میں آپ کو نا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دوں میں نے امریکہ میں ماسٹرز کیا تھا نا تو ہمارا وہاں پہ ڈسٹنس ایجوکیشن نیٹ ورک تھا ڈی ای این کہتے ہیں DEN.USC.EDU تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ کلاس روم کے اندر نا ویڈیو کیمرہ اوپر نا جہاں پہ پروفیسر جو نا ایک سٹیج پہ بیٹھتا تھا کرسی کے اوپر آگے ٹیبل ہوتا تھا آگے چھوٹا سا ایک کمپیوٹر لگا ہوتا تھا اور اس کے سر پہ بالکل چھت پہ نا وہ کیمرہ ویڈیو کیمرہ فکس ہوتا تھا اور اس کا کنٹرول جو ہے نا سامنے بالکل کلاس کے بالکل پیچھے جو ہے نا ایک چھوٹا سا کیبن بنا ہوتا تھا وہاں پہ ایک آپریٹر بیٹھا ہوتا تھا ٹھیک ہے وہ جو ہے نا وہ سارا ویڈیو کی ریکارڈنگ کرتا تھا پروفیسر جو بھی لکھتا تھا وہ الیکٹرانک اسمارٹ بورڈز ہوتے تھے وہ فوراً پی ڈی ایف بھی بن جاتے تھے ایک دفعہ ہم کلاس لے رہے تھے تو کیا ہوا کہ جاپان سے نا وہ اسٹوڈنٹ جو تھا نا جاپان میں بیٹھا ہوا تھا میں امریکہ میں تھا ادھر یعنی کلاس میں اور وہ اسٹوڈنٹ جو تھا وہ جاپان سے اس نے نا فون پہ مطلب پروفیسر کو انٹرپٹ کیا وہاں اس زمانے میں پتہ ہے زوم ہوگا یا نہیں مجھے یہ 2003 کی میں بات کر رہا ہوں تو اس نے پھر وہ پروفیسر کو انٹرپٹ کیا پروفیسر نے پھر اسٹاپ کر لیا اور اس کے جو بھی کوشچن تھا اس کی کوئری جو ہے نا تو ان کا سسٹم یعنی اس طرح کا ڈسٹینس ایجوکیشن نیٹ ورک بہت پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تھوڑا سا اس میں مطلب ان کے پاس آئی فائی ٹیکنالوجی ہے سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے ڈش نیٹ ورک ہے وغیرہ وغیرہ
तो उनकी फिर वेबसाइट का इंटरनेट कनेक्शन की स्टेबिलिटी भी बहुत है ना हमारे यहाँ पे सर, ये एक इशू भी अभी अब लास्ट टाइम भी क्विज हुआ था तो फाइल अपलोड होते हुए काफी टाइम ले लेते हैं। हाँ, इन सब चीजों को भी जो है ना वो देखना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स तो है ना, मैं अब यही कहता हूँ ना कि हम सिंसियर हो जाएं, जब पूरी कौम सिंसियर, अब चीनियों ने देखो ना कोरोना को शिकस्त दे ही दी है ना आखिरकार, मतलब किसी ने किसी हद तक, इतनी अरबों की आबादी है और उन्होंने फैलने नहीं दिया, तो ये एक डिटर्मिनेशन होती है, कौम का अजम होता है कि भाई वो एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं। जब हम सारे लोग अपने अपने हिस्से का, देखिये मैं पूरे पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकता, बट व्हाट आई कैन डू इज जो मैं, जो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, मैं उस हद तक काम कर सकता हूँ। मैं, मेरे टीचिंग है, मैं आप दिल लगा के आपको पढ़ाता हूँ, आपसे मटेरियल शेयर करता हूँ, शोर शराबा दो तीन घंटे से मैं बोल रहा हूँ मतलब, ठीक है ना, तो अपनी तरफ से पूरी सिंसियरिटी के साथ में जब हम काम करेंगे, हर बंदा जहाँ जहाँ कहीं भी है, जिस डिपार्टमेंट में भी है, चाहे आप PTCL में, आप अपडम में, आप लेस्को में, आप मैपको में, आप किधर भी हैं मतलब, तो आप अपने सिंसियरिटी के साथ काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह कुछ सालों में हमारी मुल्क की हालत बदल जाएगी, ठीक है। तो यूरोप आगे निकल गया, अमेरिका वाले आगे निकल गए, उनके यहाँ और मसाइल आ गए, ठीक है ना, अब उनके यहाँ देखो ना कितने मसाइल, यानी टेक्नोलॉजी के पीक पे होने के बावजूद भी वो मसाइल का शिकार है, और अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है, उनके किबर जो है ना उनको, उनके गले बढ़ गए, उन्होंने कहा जी कि हम जैसा कोई नहीं है, हम है, हमारी मईशत है, हमारी, अल्लाह ने फिर क्या किया कि सबसे जो कमजोर तरीन जरसूमा होता है ना, जिस तरह नमरूद था ना, तो नमरूद की नाक में मच्छर चला गया था, तो अब ये पूरी दुनिया को उसने जो, जब देखे ना अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ज्यादातर उधर लोग अफेक्ट हो रहे हैं ना, इस्लामिक कंट्रीज का जो स्टेटिस्टिक्स आप देखें तो बहुत कम लोग हैं, अभी भी देखे ना हम लोग हजारों में, उनके 1 लाख से ऊपर चले गए, तो अल्लाह ताला उनको बता रहा है कि भाई किबर जो है ना, जो तकब्बुर होता है, जो प्राइड होती है, उसकी प्राइड एज ए फॉल, तो खुदा जाने एक छोटे से एक इनविजिबल किस्म के जरसूमे से उनको बता रहा है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी, तुम्हारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तुम्हारे टैंक, तुम्हारे जहाज, तुम्हारे ड्रोन, ऑल दीज थिंग्स आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को मैं कहता हूँ कि एक यंग सोल्जर है ना, अल्लाह की जो आर्मी है उसका एक यंग सोल्जर, यंग सोल्जर है, बिल्कुल छोटा सा जरसूमे है, लेकिन उसने पूरी दुनिया को ना सीबत में डाल के रख दिया, और वो अपने बंदे भी मार रहा है ना सोल्जर। हाँ सर, ओवरऑल देखा जाए तो ये नहीं, ये जहाँ तो डायरेक्शन उसी में रहा है, आखिरत की साइड पे, क़यामत वाली साइड पे, जहाँ तो डायरेक्शन वहीं पे रही। एग्जैक्टली, बिल्कुल उसी तरफ चीजें जा रही है ना, क्योंकि चीजों ने डेड एंड की तरफ जाना ही जाना है, अल्लाह ताला चाह रहा है कि बस अब खत्म करें, इमाम मेहदी साहब आ जाए और ईसा अलैहिस्सलाम आ जाए, तो जाल ये तीन लोगों ने आना है बस। सर वो चैप्टर क्लोज था, डॉक्टर इसरार का, तो डॉक्टर इसरार भी यही कह रहे थे कि जो 15वीं सदी है ना, हाँ, वो आगाज़े क़यामत का यानी ये है सदी, जो तो अभी अब 40 साल रह गए हैं पीछे से। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, थोड़ा सा टाइम है, जो भी टाइम है, बहरहाल मरना तो सब नहीं है, अगर क़यामत आ चुकी हो ना और आप पौधा लगा रहे हो तो आपने पौधा लगाना है, ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि पौधा अपनी लगाने का कोई फायदा नहीं, आप अपना काम कंप्लीट करें सिंसियरिटी के साथ, आप अपने करें, अपनी पढ़ाई करें, मास्टर्स करें, अच्छी पोजीशन लें, प्रमोशन लें, आगे जो है ना STO बने, XCN होता है, XCN के ऊपर क्या होता है जी, मुझे तो नहीं पता इसका, कोई आप में XCN किया है, हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाद कौन सी पोस्ट होती है, ST सीनियर इंजीनियर, XE होता है सर, XE, अच्छा XE, नहीं सर SE, इंजीनियर, अच्छा ठीक है, SE होता है, अब देखें ना रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड टर्बाइन्स है, सोलर एनर्जी है, आप हाइड्रो के ऊपर कब तक रिलाई करते रहेंगे, अब त्रिबेला डैम की लाइफ ही खत्म हो चुकी है, ठीक है, अभी तक हम उससे ले रहे हैं, उसकी शेल्फ लाइफ होती है हर डैम की, पता नहीं नीचे कितनी मिट्टी आ चुकी होगी, उसकी जो कैपेसिटी थी 3400 मेगावाट, अब मेरा नहीं ख्याल कि वो 3400 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो वी हैव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स ना फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। कितने पाकिस्तान में मुल्क हैं जहाँ पे लोड शेडिंग होती है, 18-18 घंटे होती है, बिजली नहीं जा रही, लोग देखो ना वो हमारे तरह इंसान है ना, हम लोग इधर एसीज में रह रहे हैं, ठंडी जगहों पे रह रहे हैं, अब मजे से गाड़ियों में इधर उधर मूव करते हैं, तो गांव देहातों में बेचारे जो लोग हैं कितने टफ लाइफ गुजार रहे, थर के रेगिस्तान में चले जाए, उधर पानी के मसले हैं, कितने मसाइल हैं हमारे ना, बिजली का मसला, पानी का मसला, सेहत का मसला, स्कूल का मसला, तो हर बंदे को ना काम करना है, मतलब जब तक हम ये, हाँ जी
सर वो हसान तारिक साहब से एक सेशन शुरू हुआ था, उन्होंने कहा था कि ये बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की थी, तो उसमें थोड़ी पढ़ाई हो गई तो वो खत्म हो गया था, लेकिन इनके लेकिन सर उसमें ये था कि वो सर कह रहे थे, सर हसान साहब कह रहे थे कि यार ये आपकी जो क्लासेस है ना, बेसिकली ये आपकी ये दो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं व्हिच इज इक्विवेलेंट टू वन जो एक नॉर्मल लेक्चर हो रहा होता है, तो वो कह रहे थे कि यार ये जो लेक्चर्स हैं आपके आफ्टर जब भी ये क्लोज होगा मे बी आफ्टर मंथ और टू, आप लोग जो दोबारा से ये क्लासेस होंगी और दोबारा आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब मैं उस सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो तो लड़ाई हो गई, मतलब लड़ाई क्या किसी ने आगे थोड़ा सा बदतमीजी कर दी, उसने सेशन ही खत्म कर दिया। तो वो सर ये किस तरह, यानी कि अगर यही बात है फिर आपकी इतनी एफर्ट लग रही है, हम भी अगर एक एफर्ट कर रहे हैं और एक अजीब से सर्कमस्टेंसेस में एक आउट ऑफ द बॉक्स आके हम सारे यानी कि पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि दोबारा से सब कुछ होगा, तो सर फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग राइट नाउ? मेरा अपना ख्याल है, मेरा अपना ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये चीज देखो ना, आप बार बार तो चीजें रिपीट नहीं की जा सकती ना, सेमेस्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर अगले उन्होंने नई इनटेक लेनी है और सारे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, तो मेरे ख्याल में इसको कोई क्लोज एंड जरूर होगा, डेफिनेटली कुछ सोल्यूशन सोच रहे होंगे, दो तीन दिन वेट कर लें, डेफिनेटली कोई ना कोई ईमेल आ जाएगी, और ये सारी जो रूमर्स हैं आप किसी की बात पे यकीन ही ना करें जब तक कोई रिटर्न ईमेल ना आए ना आपको। SHS के हो रहे हैं मिड और फाइनल, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के साथ। वो किस तरह कर रहे हैं? डिफरेंट होता है ऑनलाइन, वो फिर ना कोई एमसीक्यूज टाइप होंगे ना, हमारा जब ये सर उनका सीन डिफरेंट होगा, हमारा नहीं ऐसा। इंजीनियरिंग में तो अब एमसीक्यूज नहीं किए जा सकते ना, आप खुद सोचे ना, तो एमसीक्यूज मतलब यस नो वाला चक्कर तो यहाँ पे है नहीं, तो इंजीनियरिंग हर कोई इंजीनियर बनता भी नहीं है, मतलब आपको पता है सोशल साइंसेज वाले जो लोग हैं या हेल्थ वाले हैं वो उनका पैटर्न ही टोटली डिफरेंट है, हमसे मैच नहीं करता। तो हमारे इंजीनियरिंग के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल, सिविल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो उसमें तो आप ये इस तरह की चीज नहीं कर सकते ना, क्योंकि फेयर एवेल्युएशन जो है ना जरूरी है ना। एक्चुअली जब हम आपको डिग्री, आपको मास्टर्स की डिग्री मिलेगी, दैट मीन्स कि यू रियली नो थिंग्स, ठीक है ना, यू रियली नो, यू डिजर्व समथिंग, यू हैव अर्नड इट, ठीक है, दिस इज नॉट अ सिंपल जोक, नहीं है ये, आपने ये डिग्री अर्न की है, यू हैव पुट एफर्ट, यू हैव अटेंडेड द क्लासेस, यू हैव सॉल्वड ऑल द क्विजेस, यू हैव गॉन थ्रू द मतलब प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट्स हो गए, मेट्रिक, ये सारी असेसमेंट के बाद ही हम एक देखो ना, ये एक अमानत है ना, PEC ने हमारे ऊपर अमानत डाली हुई है कि भाई हमने ये डिग्री देनी है, तो उसको फेयर एवेल्युएशन बहुत जरूरी है ना, अदरवाइज फिर मतलब खत्म हो जाता है, फिर फायदा ही कोई नहीं करने का। तो चलें ठीक है, मेरे ख्याल में ये सेशन अब खत्म कर लेते हैं, काफी हो गया ये, तो अगर आपके मतलब अगर कोई इश्यूज हैं तो आप मुझे ईमेल कर दें, मैं खतुल मकदूर जो है ना आपकी ईमेल्स को रिस्पॉन्ड भी कर रहा हूँ, जो कुछ लोग मुझे मेले कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं ईमेल्स का जवाब भी देता हूँ, तो आप मुझे फोन भी कर सकते हैं, मतलब दिन के वक्त किसी वक्त भी जब आपका दिल चाहे, मेरा फोन हर वक्त ऑन रहता है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में अब सेशन को क्लोज करते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्लास में ना अगले 8 अप्रैल को दोबारा मिलते हैं, इससे पहले मैं कुछ और वीडियोस जो है ना आपके साथ अपलोड कर दूंगा, उनको आप जरूर सुने प्लीज, ठीक है ना, आप सुनेंगे तो आपको मजीद नई चीजें पता चलेंगी, फिर प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, डिस्कशन करें, ग्रुप बना लें अपना, दो चार लोग इकट्ठे मिलके ऑनलाइन सेशन करें, मतलब ऑफिस में कोई टाइम निकाल लें आधे घंटे का, पौने घंटे का, ठीक है ना, इनविटेशन भेज के, तो आप एक दूसरे को बता सकते हैं अगर आपको कुछ चीज पता चल जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, सो नाउ वी आर क्लोजिंग इट एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीक ऑन अप्रैल 8। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज, टाटा।